हेलो। हेलो जी, आप अमित अग्रवाल तोड़ गई हैं। अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर चंद जी। लहर, इसमें अफसोस की कौन सी बात है? क्यों, उनके टूर जाने में क्या आपका हाथ था? आहो जी, मेरा कारनामा है। बस खातून फिर तैयार हो जाएं जमीर के कोड़े खाने के लिए। जमीर कौन है? तो ये मर जाओ ना, भला मुझे क्यों कोड़े लगाएगा? आपने जुर्म किया है मुअज्जिज लेडी। जुर्म? कौन सा जुर्म? ते तुम कौन हो? बकवास क्यों कर रहे हो? छोटा चौधरी का है, उसे बात करनी है मुझे। बड़ी संगदिल है आप, किसी की जान लेकर जरा भी मलाल नहीं आपको। हाय रब्बा, कौन हो तुम? किसकी जान ली है मैंने? आपा मुनव्वरा की। हाय हाय, टूट गई बेचारी, कितनी खुश खुश गई थी अपने शौहर के साथ। हाय, जाना कहीं और था और किधर चली गई? स्टॉप स्टॉप चंजी स्टॉप। हाय जालमा, तूने कैसी खबर सुना दी? बिलो बीबी, चौधराइन जी। ए हेलो चंजी, मैं खबर नहीं, खबर आप सुना रही थी कि आपा मुनव्वरा टूट गई। ओ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है मुझसे। पीनो नाम है मेरा, पीनो। छोटा चौधरी आया, उसको खबर सुना देना। ओके सुना दूंगा, खुदा हाफिज टाटा। ये तुझे क्या हुआ है? सब क्यों सुन? हाँ, घर में कोई से आपा पाड़ने वाला है। आप मुझे ये बताएं, ये इंस्पेक्टर सलीम कौन है और उसका इस शरीफ घराने से क्या ताल्लुक है? वो चौधराइन जी का भांजा है जी, बड़ा ही प्यारा है, बड़ा प्यार करते हैं सब उससे, गबरू जवान है। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या ये खुला तजाद नहीं? ऊपर का टीवी बंद कर दे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिंदगी में तीन चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आई मी तमाशा। ठीक हो गया जी, अब आते हैं इस तरफ। अल्लाह मियाँ, ये जो तूने मेरे मुंह के ऊपर मूछों की शॉर्टेज कर दी है ना, इससे बड़ा नुकसान हुआ है मुझे। ऐ पता नहीं बचपन में कौन सा विटामिन तूने कम दे दिया मेरी बॉडी में कि मेरी मूछ ही नहीं निकलती। खैर चलो, निकल ही आएगी कभी ना कभी, बड़ा मक्खन छक्कन तो लगाता हूँ मैं। ओहो हेलो। ओ हाँ भाई, कैसी हो? ओ मिस कर रही हो मुझे? वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा भाई देख, शर्तें तो मेरी अपनी जगह कायम है। वो जो पहली वाली शर्त है ना मेरी, वो तो तूने माननी है। बाकी ये कि 20 दिन का मुझे टाइम दे दे है, मुझे जरा सोचना है। देख मुश्किल फैसला है, कोई आसान तो है नहीं है, वो पापी पर जाई से भी मशवरा करना होता है, लेकिन मुझे 20 दिन का टाइम तो चाहिए। चल अपना ख्याल रखी, राब राखा। क्या कर रहा है? किसका फोन था? है ओ, मेरी मानो बिल्ली से बात कर रहा था मैं। मानो बिल्ली, वो कौन है? एक बात बता, मैं लग रहा हूँ ना डिस्ट्रैक्शन? हाँ नहीं, वो क्यों है? ओ एक तो मेरा लेवल ही कुछ और है, ये पेंडुओं को समझ ही नहीं आनी। आखिर पाकिस्तान में कोई है ही नहीं जो मेरे लेवल पर बात कर सके। है तो फिर बुला लेते हैं इंडिया से कतरीना बाजी। ओहो बाजी क्यों कह दिया, सलमान की बाजी। मेरी मानो बिल्ली, आ जा भाई जरा सेटिंग कर ले। ये उठा ले तूने डंबल, 35 किलो की एक बोतल है। ओ बच्ची, ओ बड़ा पड़ जी, तो फिर आ गई है मेरे कमरे में। क्या है? गाना गाने दे पहले मुझे, पूरी मेरी वर्जिश नहीं हुई। अब वो जी चौधरी जी ठीक है, सल्लू भाई की तरह आपके मस्कल बन जाएंगे, दूध तो पी लो। इसके पीने से ऐसा बड़े हो जाने? ला भाई फिर पला। एक तो वर्जिश जब मैं ज्यादा कर लेता हूँ तो गिलास भी नहीं उठता मेरे से। क्या मिलाया तुमने इसमें? बड़ी सारी चीजें, मेवे जी मेवे। ऐ पीछे ठीक नहीं है तुम। कैसा लगा? बड़ा मजा आया है। ओ, मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर आप ये जो बात बस पूरे घर में तुझे ढूंढ रही थी। वो ना मैंने ना मोर्ची खाने में ना दूध रखा था शेल्फ पे, तो मैंने ना उसमें पता है जुमाल घोटा मिला दिया था अपा मुनव्वरा के लिए। मैं
मैंने सोचा वैसे तो जाएगी नहीं, ये पी के तो जरूर चली जाएगी। खैर चंगा हुआ उसकी लोड़ नहीं पड़ी। तो अब मुझे ये बता कि दूध मुझे नजर नहीं आया, किसी ने पी तो नहीं लिया? और क्या था उस दूध में? कोई बर्बाद किया फूल भाई। ओए ओए ओ मेरी अंगूठिया, अंगूठिया ओ मेरी चप्पले, ओए ओए क्या बना दिया, ओए क्या हुआ मेरी तो अंगूठिया भी ढीली हो गई है, सारी चीजें सारे विटामिन तो नमक सब निकल गया मेरी बॉडी में से। ओ बर्बाद दिया पीलो, क्या फला दिया वही। और बॉक्सिंग का मुकाबला चल रहा है मेरे पेट में, फिर आ गया। ओए सलू भाई, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो ना तो लगे पता। ओए ओहो 2 मिनट तो लेट ने दो। चल पीनू चल, बड़े काम है तुझे, सही तक आप ठीक हो। और रजिया जल्दी आ जा नीचे, तू टाइम बड़ा लगाती है मेकअप में, भाई जल्दी आ। आ रही हूँ आ रही हूँ। हम अनवर की बारात लेके नहीं जा रहे हैं। इंशाल्लाह किसी दिहाड़े हम अनवर की बारात लेकर भी जाएंगे। वो फोन कर दिया था ना भाभी को कि हम लोग आ रहे हैं, आज इफ्तार उनके साथ ही करेंगे। ये खुशखबरी आप ही सुना दे। तुसी ना कुछ करना, वो आपकी भरजाई कहाँ है? अगर मुझे अनवर से मोहब्बत ना होती तो मैं जिंदगी में कभी भी इस कार में आके ना रहती। और वो जो आपकी भाभी है ना, भाभी आमचूर जैसा थोबड़ा है जिसका, कभी अपनी जिंदगी में ना देखती उसका थोबड़ा, पता नहीं ठूस रही होगी और देख रही होगी टीवी। ओ आजा अब भाभी, कितने फंस गई, सुनती भी तो नहीं है ना। अल्लाह काश तूने इसको कानों की बजाय इसकी जुबान ना दी होती, सुनाती रहती मैं इसको। आ जा। हाँ हाँ, ये मेरी दुख भरी दास्तान जी, तूने देखा ना कोई मोड़ ते ना कोई रंग, बिल्कुल फिक्की ते बेरंग है। मेरी भी कहानी ना तुझसे बिल्कुल मिलती जुलती है, मेरे भी जो ख्वाब है ना बड़े ही रंगीन है। मेरा मतलब है सिर्फ ख्वाब रंगीन है, हकीकत में कुछ भी नहीं। अब देखो आ जा रही मेरी चाची सास, देखो की होंदा है ना। तो तू ऐसे क्यों बैठी हुई है, जाना किसी ब्यूटी पार्लर जाके तैयार हो जा। ना बाबा ना, तोबा तोबा, मैं नहीं जाना ब्यूटी पार्लर। तुझे नहीं पता शीदो, पिछली बारी जब मैं गई थी ना, उस कमीनी ने मेरे मुंह के ऊपर पता नहीं क्या लगा दिया था, मुंह ऐसे लाल रंग का हो गया था सुर्ख, और मेरे होंठ जो ना ऐसे हो गए थे। ना कर बेबो, वैदी लग रही है। हाँ बिल्कुल वैसे। तो फिर ना मैं सारे घर वालों से और अपनी चाची सास से मुँह छुपाती फिरी 2 हफ्ते पूरे, मैं नहीं जाना। लानत भेज फिर, ऐसा कर ना कोई कपड़े शपड़े चंगे पा ले, कोई रंग शंग पा ले, तेरी चाची सास आएगी तो क्या कहेगी, मैं अपने दिल पे पत्थर रख लूंगी। मेरा मतलब है कि उनकी जली कड़ी बातें सुनने के लिए। तुम दोनों यहाँ बैठी हो क्यों, तू इधर बकरा जबा करना था? हाय हाय बिल्लू, तुम्हारी ससुराल वालियाँ आ गई। हे सच्ची, तू देखना सीधो इतने बड़े बड़े टोकरे होंगे मिठाई के उनके हाथ में, है ना? नहीं तो फिर अब हाँ शॉपिंग बैग होगी ना इतने बड़े बड़े। नहीं निका सा फर्श है। हाय इसका मतलब है बिल्लो रानी के लिए ना कोई अफ्तारी आई तो ना कोई ईदी। रहन दे, मैंने कोई नहीं जाना। गेड जाई जी, क्या हाल चाल है? अचानक आप हमको देख के खुश तो हुई होंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। है निशे तुंगड़िए जोड़ा तुम मेरा पाके आई है ना? और अनवर के चाचा जी अपनी परजाई को समझा ले कि ये मेरा अपना जोड़ा है,
उसका जोड़ा तो कब से चूहे खा गया है, पता नहीं पुट्ठी पुट्ठी गले इसको क्यों सूझती है। पर जाई जी करामत भाई को बता दीजिएगा कि मैं उनके साथ ना बड़ी सख्त नाराज हूँ। हाय हाय, चौधरी साहब ने ऐसा क्या कर दिया? पूरे पिंड में टके टके के लोगों को वो ईदियां बांटते फिरते हैं। उनसे इतना ना हुआ कि चलो बहन रजिया को भी एक जोड़ा लेके दे दूं ईद का है। इसको कहो ना रोए ना रोए। हाँ हाय, मेरी परजाई ने तो बड़ा ख्याल आ गया मेरा कि मैं ना रोवा। और रोती हुई तू मगरमच्छ नहीं लगती है, मगरमच्छ नहीं। हाय हाय, ये जो है ना परजाई हमारी सारा दिन ना जानवरों के चैनल देखती है, इसलिए अब पता नहीं किस किस की शक्ल कौन कौन से जानवर के साथ मलाएगी बह के। हाय मैं मर जावा। इशिदो तू अजे तक इधर ही है? वो कहते ने ना कि जिथे दी खोती उथे आन खलोती। मेरा मतलब है कि चौधरी साहब ने ना मुझे छोटी हमशीरा का दर्जा दे दिया है। हाय मैं मर गई, ये तो बड़ी खतरनाक गल है। रजिया तू अचानक कैसे आ गई? क्या अनवर का फोन आया था? हाँ परजाई जी, आज ही अनवर का फोन आया था, आप सबको पूछ रहा था और कह रहा था कि अपनी बिल्लो की ईदी लेके गए हो कि नहीं। तो मैंने उसको बोला अभी तो रमजान शुरू हुआ है, ले जाएंगे ईदी भी बिल्लो की। कहने लगा इस दफा ना पूरे 5 जोड़े लेके जाना और उसके साथ ना रंग मिला के ना चूड़ियां भी लेना और जुतियां भी सैंडल भी लेके जाना और नाल ना सोने चाले चुमके भी लेके जाना, रंग जरूर मिलिया होना चाहिए। चाची समोसा तो लो। हाँ जी बेफिक्र हो के लो क्योंकि बिल्लो ने नहीं बनाया। शिदो हाय शिदो तू एडिया सोनिया गल्ला करती है ना कि बस दिल करता है कि बंदा गल्ला ही सुनता रहे तेरी। ओ जी समोसे बेल बेल के मेरी कमर टूट गई है, बस कर दूं। नी एक दर्जन और बना दे, मैं साथ ला जाऊंगी और रोजे के वक्त खाया करूंगी। हाँ सवाब होगा। रजिया इतना ना खाए कि सहरी का वक्त ही आ जाए खाते खाते। अनवर का जब भी फोन आता है ना आप सबका बड़ा हालचाल पूछता है और इशारे कनायों में ना बिल्लो का भी हाल पूछता है। शर्मीला बच्चा है ना मेरा। हाँ जी बड़ा शर्मीला है। अब फोन आए ना तो उसको कहना कि वो समंदर पे जाके जो तस्वीरें खिंचवाता है ना मेमो के साथ वो जरा भेजे, हमने भी देखनी है। हाँ कसम है मुझे भी बड़ा शौक है वो तस्वीरें देखने का। हाय पापी तुसी गल सुन रही है? ले तो मैं क्या बोली हूँ? शाबाश जलेबी फड़ाना जरा बाजी। ओए जलेबी फड़ा। अर्ज किया है वो मेरा दोस्त है, वो एतराफ करता है। नहीं अब तूने शेर पढ़ा ना मैं तेरी किताबें साड़ के सुआ कर दूंगी। ले भला शेर बोलते थोड़ी है, शेर तो कहा जाता है। फिर वही बात। ओहो किताब फोन आ गया। हेलो बड़ी खुशी हो रही है कि तू अभी तक जिंदा है। क्या बीमार है? गांव में इलाज कराना है? ले भाई वो हकीम भी अभी तक जिंदा है जिसको तेरी वजह से छितरौल हुई थी। नहीं नहीं अब तो अपने काम में बड़ा सियाना हो गया है। ओ नहीं इश्क आशिकी में नहीं अपनी हिकमत में। नहीं नहीं तू आजा 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 ठीक है। नहीं पीनो पीनो। अब कौन नाजिल होने लगा है? शहर से मासी खैरा आ रही है, शहर जाके तो उसके रंग ढंग ही बदल गए। तू जरा तमीज और अदब से रही। हाय हाय ब्रेक ते ला। वो मेरी एक जानने वाली है मासी खैरा, वो शहर से आ रही है। पेटी से नवा बिस्तरा निकाल के बिछाते ते कमरे दी सफाई बड़ी चंगी तरह करी। वहमा दी पंड है ओ। ओ निया स्यापा। वैसे पीनू कहती तो सही है, वैसे मासी खैरा ने सारी जिंदगी दर मजा ते गावा नाल गुजारी है तो हुन शहर जाके वड्डी नफासत पसंद बन गई है। चंद्रन पकौड़ों के लिए ना 2 किलो आलू निकालनी है मैंने, मुझे ये बताएं कि चाट के लिए चनों की कितनी फसल तबाह करनी है? 2 किलो और कर ले। 2 किलो ठीक। अम्मा आज इफ्तारी में क्या क्या बन रहा है? ओहो भाई क्या बात है, सारी लड़कियां बिल्कुल ही फारिग हो, जितनी भी जनानियां हैं सारी फारिग बैठी हैं। वो इतना तुम लोगों के पास फालतू टाइम होता है को खुदा का खौफ करो। और वो पीनो किधर मर गई है? पीनो मेरे कपड़े तो इस्त्री कर दे।
हाय ओ चाचे मैं कर देती हूँ कपड़े इस्त्री। ऐसे मैं ना सोच रही थी इस घर में कब बहू बेटियों की ईदी आएगी। बहू बेटियां कौन है बहू इधर है? फिकर क्यों करते हो, रब ने चाहा तो जल्दी वो वेला भी आ जाएगा। बिल्लो की ईदी ना रजिया इसी हफ्ते भिजवा देगी। मैंने कहा अनवर की तस्वीर भी भेज, कसमे चंदा टोटा है। आहो और रहता भी चंद पे ही है। मैं तो कहती हूँ दो टोक गल करो, इस चंद के टोटे को फारक करो। पागल हो गई है, हमने बरादरी में रिश्ता किया है और बरादरी का रिश्ता टूटा नहीं करता। नजाकत बता इसे। ओहो भाभी किस तरह की बातें करती हैं आप हैं? मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों की बातें किधर सुनता हूँ। मैं चौधरी सलमान ओहो मतलब चौधरी नजाकत हूँ, और एक दफा जो मैंने कमिटमेंट कर देनी है फिर तो मैंने अपनी भी नहीं सुननी, ये तो आप जानती हैं। चलो जी मैं भी तेरे मुंह तो जी अकल दी गल ना कटवाई ते मेरा नाम भी शीदो। ओए फिटे मुंह शीदा नहीं। चलो पापा जी अंदर सामान पहुंचा दो। हां 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 ठीक है। ओ वेलकम मौसी जी, आओ आओ। शक्ल वैसा का वैसा ही है, थोड़ी मरम्मत ही करा लेते हैं यू पेंजू पीपल। ओहो अब आप आ गई है, मरम्मतें भी करवा लीजिएगा। मैं क्यों कराने लगी भला मरम्मत, मैं तो यहाँ पर इलाज कराने आई हूँ। वो हकीम जिंदा है या मर गया? आपकी दुआओं से जिंदा है अभी तक। मेरी दुआ से क्यों भला, मैं क्यों उसके लिए दुआ करने लगी उस इडियट नेवले के लिए। ओहो अब रहने भी दे मौसी जी, आप दोनों की जुआनियों की कहानियाँ बड़ी मशहूर हैं। बदतमीज मुझे जरा सहारा देकर अंदर तो ले चलो प्लीज। ओहो आपको कितना कोई सहारा चाहिए होगा, मेरे ख्याल में ये चीची उंगली काफी है, इनू फड़ लो। तो बस ख्याल रखना है कि हवा से बचना है, हवा बड़ी तेज चलती है, ऐसे जाना है आपने फिर। आ जाओ जो शाबाश। चीची जरा होली फड़े, मेरी सांस सूख रही है। वो देख के सीढ़ी है, पंखा भी चल रहा है। ओहो देख नजाकत, प्लीज जल्दी से हकीम साहब को बुलाओ। जी आया नू, मैं तो सुबह से इंतजार कर रही था। माजी खैरा? चीची बोलो, चीची बोलो। ये फारिग लोग, पेंडू लोग, और कोई काम नहीं है तुम लोगों को? You idiot people, don't call me मासी खैरा। नजाकत, इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। आंटी, आंटी खैरन, मासी खैरन निसा। Idiot, कहा है ना डोंट कॉल मी मासी खैरन। बहुत देखे मौसी जी, आप हमें ना अंग्रेजी में गाली शाली ना दें, सारी फिल्में देखते हैं हम, सारी अंग्रेजी आती है। वैसे एक बात कहूँ, ये जो आइडिया मुझे, एक सेकंड को छोड़े, ये जो चश्मे हैं ये कुछ तब्दील करने का इरादा है आपका, लगा के देखे बहुत खूबसूरत लगेंगी। एक सेकंड को लगाए तो सही, 400 रुपए के हैं। 400 प्लीज, ये 50,000। वो कितने होते हैं? 50,000। लो 400 रुपए में ठीक नहीं है, बंदा हर दो महीने बाद बदल तो लेता है। चीची फड़ो जी आओ। ओह गॉड, फिटे मुंसु। अरे जानिए कि काम वाली तो बस तकबार, अल्लाह माफ करे, चार कपड़े धोती हैं तो सारे महीने का साबन मुका के रख देती हैं। काम कराना तो आजकल मुश्किल ही हो गया। भाभी जी, भाभी जी आप क्या कर रही हैं? हाय हाय, भाभी खाने के अलावा भी कुछ सीख लिया होता। ला दे मैं लगाती हूँ, ला दे मुझे। है क्या? ओ मुझे दे मैं लगाती हूँ। हौली बोल, मैं कोई उच्चा सुनती हूँ? मैं उच्चा सुनती हूँ, ला दे। इधर मुकर। ओ भाभी आज भी ना कार रफ्तारी करने का ना बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा। इंज करते हैं भाई करामत के कार चलते हैं और बिल्लो की जूतियों के नाप के बहाने तारी भी कर लेंगे। रजिया तू भी अपनी आंखों में सुरमा पा लिया कर, शायद तेरी शक्ल पे कोई बेहतरी आ जाए। जैसे ना जैसी बेहतरी भाभी तेरी शक्ल से आई है, अल्लाह माफी। अच्छा अच्छा छोड़ इन बातों को, जाना भी है ना, अफ्तारी का टाइम होने वाला है, मैं तैयार होती हूँ जाके। चल ठीक है।
है? ये क्या बना गई है मुझे? ठहर जा रजिया, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। लो भाई, एक है जरूरी अतला। हवा तीनों, एक दो तीन चार। हवा चारों हजरात, अतला ये है कि हमारी मौसी जी शहर से आई हैं, तो इनका कहना ये है कि इनको मौसी नहीं बल्कि आंटी जी कहा जाए। आंटी प्लीज प्लीज मुझे हाथ नहीं लगाएं, पहले गले लगा लिया था, अब नहाना पड़ेगा। कितने प्यारे बाल हैं आंटी आप। डोंट टच मी, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। क्यों, इनके सर पे क्या 5 लाख रुपए का इनाम है जो इन्होंने अपना नाम बदल लिया? कोई पागल का पुत्र ही होगा जो अपना नाम बदले बिला वजह। कौन हो तुम? मैंने सुना था जी, गुलाब का जो मर्जी नाम रख दो लेकिन गुलाब गुलाब ही रहता है, लेकिन आजकल तो गुलाब को भी नाम बदलने पड़ते हैं। जाओ मुलाजमा, अच्छी तरह से हाथ धोकर मेरे लिए नींबू पानी लेकर आओ। मुलाजमा, इस पूरे घर में आज तक किसी ने मुझे मुलाजमा कह के नहीं पुकारा है। चलो आज तुम्हारी ये हसरत भी पूरी हो गई। हाँ हाय, आप इतनी बड़ी हो गई हैं खाला फुपो नहीं कॉन्टी। कॉन्टी 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 आंटी जी, आप रोजा नहीं रखती? और रोजा किधर रखेंगी बेचारी हैं, रोजा रखने की कोई जगह भी तो नहीं नजर आ रही है। रवि चौधरी, पहली दफा कलमंदी की बात है। बीमार हूँ मैं, बीमार इंतहा है जहालत की भी। अच्छा जी, तुसी फिकर ना करो, मैं पानी ले आती हूँ। प्लीज हाथ धोकर लाना और ग्लास भी अच्छी तरह से धो लेना। अच्छा जी, मैं उन्होंने लेके ना टॉप चबाड़ जानी है, चला भी ना। शाबाश नजाकत। प्लीज हकीम साहब को जल्दी से बुलाओ और उनसे कहना कि शहर से खैरुन्निसा आई है, दौड़े चले आएंगे। वो आएगा क्यों नहीं, मैं जानता हूँ आपकी जवानियों के किस्से, दौड़ाई आना उसने। प्लीज वो तुम्हारी खानदानी मासी जो खैर से अब एंटी खैरी बन गई है, वो आई हुई है शहर से, कसमें जिंदगी अजाब कर दी उसने। अच्छा अच्छा, छोड़ उसकी बातों को, बासुन वो पापी जुबैदा ना उसको बता देना कि आज हम ना बिल्लो की जुत्ती का और कपड़ों का नाप लेने आएंगे अफ्तारी के वक्त, जरा तैयारी शरी रखे। किस बात की तैयारी, कौन सी जुत्ती और सूट का नाप? तू इतनी दूर से आएगी? तकलीफ ना कर, मैं खुद आ जाऊंगी बिल्लो बीबी के सूट और जूती का नाप लेके। ओ भला इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, बस मैं खुद आ रही हूँ। ठीक है, दाफिस। गल तो सुनो, तुसी गल्ला करो ते मैं सारा इफ्तारी दा पता कर ला। जी जी, और ठीक हो ना मासी जी? तुसी बैठो आराम नाल। अच्छा लो जी, ये रोजे में जो मुझसे आपने बनवाया है लींबू पानी, ये तो पिए ना आप? नहीं नहीं, मुझे ग्लास सही से धुला हुआ नहीं लग रहा है, ये सही से वॉश नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। नजाकत प्लीज हकीम साहब को बुलाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, अजीब सी स्मेल आ रही है यहाँ पर, ये तुम लोग सफाई का ख्याल क्यों नहीं रखते हो? वैसे एक बात बताऊँ, जब से आप आई है ना तब से आनी शुरू हुई है, पहले कोई नहीं आ रही थी। खामोश बदतमीज इडियट। ओहो आंटी जी, आप वो असल वक्त भूल गई हैं, मुझे थोड़ा ना याद कराना पड़ेगा। याद नहीं है जब वो आप गांव की औरतों के साथ गोबर की थापियां लगाती थी, अक्सर जीत भी तो जाया करती थी आप। अच्छा है जी, तो वो भी आप भूल गई हैं, वो आपके घर एक बकरी नहीं होती थी छोटी सी, जिसकी दंदियां बिल्कुल आपकी दंदियों जैसी थी, उसको गाजर कैसे खिलाती थी आप? है पहले एक चक्की वो लगाती थी तो 2 चक्कियां आप लगाती थी, याद है ना? ये उसी वक्त के तो जरासीम है जो चिमट गए हैं, मुझे जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शहर के डॉक्टर्स तो इलाज कर करके पागल हो गए और मैं दवाइयां खा खा कर पागल हो गई हूँ, ये तो बस हकीम साहब ही इलाज करेंगे इस बीमारी का। प्लीज जल्दी से जाकर ले आओ उनको। ओहो मैंने अर्ज किया ना, बंदा भेजा है उनके पास, थोड़ा जाएगा, थोड़ा तो टाइम लगाएंगे, वो कंगी छंगी करेंगे, टोपी शोपी ला के, नवे कपड़े पा के, हैं चूंटा नाल रेस लगा के बसाते ही होंगे। ये फिजा में कैसी स्मेल है, वो मेरा वो मंगवाओ स्प्रे कौन सा है? मुश्कहूर। अल्लाह ना करे, वो है कौन सा? जरासीम कोश के स्प्रे। हाँ जी, लेकिन ऐ देखो हाथ जुड़े ने आपके आगे, हम पे रहम खाएं, अगर आपने ऐसा कुछ किया ना तो जरासीम का पता नहीं, लेकिन चौधरी साहब मैं दस रही हूँ हम सब ने मर जाना है। खामोश इडियट। है की कह दे? ओहो तारीफ की है तेरी अंग्रेजी में आंटी जी ने, शुक्रिया कर, शुक्रिया। ओ अच्छा, शुक्रिया कौन आंटी जी? आंटी जी। अच्छा लड़की, तुम मुझे जरा मेरे कमरे तक छोड़ो। आओ जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा नहीं, तुम रहने दो, तू रहो। क्यों, मेरे करंट बहुत आता है? नजाकत
तुम चलो। ओ हाँ हाँ चीची पढ़ो चीची आ जाओ ओए आहो जी परजाई सुबह से कहाँ भी बड़ा बोल रहा है। हाँ अच्छा ए गल है चला पीनो किचन में चल के ना थोड़ा बेसन और घोल लेते हैं पकौड़े बनाने ना। नहीं नहीं मैं तो कह रही हूँ फ्रूट और बढ़ा लो शरबत बना लेते हैं। अच्छा हाँ ये भी ठीक है पर जाए क्या ख्याल है एक जग शरबत का होर ते दो पेटी आम होर रखते थे है। आहो ठीक है चलो चल के मेज सजाने हैं। मासी जी फिकर ना करो इफ्तारी के बाद ना नजारा जाएगा हकीम साहब को। आंटी 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 छिदो बड़ी उम्र है तेरी रजिया अभी हम तुम्हें याद कर रहे थे। ये अनोखी सी निराली सी कौन है मैंने पहचाना नहीं आपको। हाय मासी मैं रजिया पिंड वाली रजिया याद नहीं तेरे सिर च जुए पै गई थी ना पूरी पूरी रात बैठ के मैंने जुए निकाली थी तेरी। एक तो आप लोगों की याददाश्त बहुत तेज है। मैं क्या चाची कल्ली आई हो। क्यों मैं को नन्नी काकी हूँ इतनी सी जो कल्ली नहीं आ सकती रास्ता भूल जाऊंगी। ए मौसी बड़ी बातें करनी है बड़ी चटपटी खबरें मेरे पास। मैं अभी अभी हाथ धोकर आई हूँ प्लीज डोंट टच मी। हाय मैं मर गई मैंने कब कहा कि तूने हाथ नहीं धोए हुए। अच्छा जे आई गए हो तो ईद ही नहीं लेकर आए। अशिदो तू तो चुप ही कर जा पहले भी मैं भूल गई थी उसका नाप आज मैं खास तौर पे आई हूँ उसका नाप लेने के लिए कपड़ों का भी और जूतों का भी और लेकर ही जाऊंगी। हाँ मासी तू मुझे बता वो तेरा एक बेटा होता था ना जिसको सारे अल्लाह वाला लोग कहते थे उसका क्या हाल है। पागल थे वो मेरे बेटे ने तो म्यूजिक की दुनिया में झंडे गाड़ दिए इतना बड़ा नाम किया है कि बस। हे इचद्रैन इनके पुत्र का नाम आतफ असलम है। शीदो ना बोल ना बोल बोल ना बोल ठीक है जी ना बोल। तू ना ही बोल तो चंगा है। बिल्लो किधर है। बस बिल्लो को कहो कि मुझे अपना कोई सोना जहा सूट दे दे ताकि मैं उसके नाप के ना कपड़े सिलवा लूं। रहन दो ना चाची जी आप अपने नाप पे सिलवा लो क्योंकि जब तक आपने कपड़े सी के देने हैं ना उसने भी यही होना है। चुप कर जा सीधो तू बड़ा ही बोलती है अपने नाप के चला लो। मैं दर्जन से ना बात करके आई हूँ उसने मुझे कहा जितने मर्जी सूट ला दो मैं सी दूंगी। तू ज्यादा ना बोला कर जा जा के ना मेज लगा अफतारी का टाइम होने वाला है। वैसे आज तूने पकाया क्या क्या है। चिकन कोफ्ते नारी हलीम हरीसा ते बिरयानी नहीं बनाई सिर्फ खजूर ते पानी रखे है। दफा डाइट पे है हम लोग। Thank God, I'm on diet. Hey, hi, Masi. तूने इतनी सोड़ी अंग्रेजी कहाँ से सीखी है? मुझे भी सिखा देना. Please don't touch me. हुप्पी बेगम, मेरा ना ख्याल है. बहुत ट्रेजिक सीन फिल्म आ ली है. चल अब अंदर चलते हैं. हाय नहीं शहजादी, मेरा दिल नहीं चाह रहा. बीबी पूछ रही है कि सोने वोने का प्रोग्राम है. अगर नहीं तो बता दो, वरना तो मसल्ला बिछा दे नफल यहीं पढ़ लो. हम नफिल अदा कर चुके हैं. तुम्हारी तरफ फारिग नहीं है। अच्छा तो मैं पीनो फारिग हूँ और इस घर का काम करने मेरा आशिक जिन आता है, हैं? अच्छा अच्छा चुप कर। बड़ा मच्छर है जी इस घर में। 3 मिनट में आधा किलो खून पी गया मेरा। अच्छा अच्छा बस कर जा जाके दूध पी ले। बल्कि तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो यहाँ पे। हाँ मैं बेचारी तो अपनी किस्मत से लड़ रही हूँ। देखा नहीं था कैसे मेरी चाची आई तो थी नाप लेने खा पी के तोड़ गई तो नाप वहीं छोड़ गई है। जरूर कोई गड़बड़ है। इसे मेरी चाची जो है ना है बड़ी मीसनी। बिल्लो जी अपना दिल ना छोटा करो तुसी। मेरा ख्याल है ऐसे मौके पे ना कोई दर्दनाक सा गाना होना चाहिए। मैं सुनाऊं? एक मिनट पूरा तूने पिंड जगाना है पहली तेरी शिकायत आ चुकी है बस कर। शहजादी तेरी तो दिल से नजाकत नजाकत। एक मिनट
ये हमारी चौधराएं खैर अब कैसी होगी? आपकी उम्र की हैं तो बिल्कुल आपकी जैसी सटियाई भी भूतनी लगती है मुझे। और वैसे भी जब मैं मगरिब के वक्त आपका मनहूस चेहरा देख लेता हूँ ना, तो मुझे सारी रात नींद नहीं आती है। चक्कर टाइप चीजें होती हैं मुझे। मगरिब होते ही मैं खुद आईने के ऊपर कपड़ा डाल देता हूँ। मैं तो कहता हूँ हटाए नहीं, मुस्तकिल रहने दें। हम बचपन में खेलते कूदते जवानी की हुदूद में दाखिल हुए। ओहो, जब हुदूद में हो ही गए थे दाखिल तो वहीं रहते ना, आने की क्या जरूरत थी। गाँव का मैं अकेला खूबसूरत तालीम याफ्ता जवान था। खैरन मुझसे बड़ी मुतासर थी। मुतासर तो वो अब भी लगती हैं मुझे इसी बीमारी से हैं। खैर, अगर आप गांव के इतने खूबरू जवान थे तो इस हालत तक पहुंचते पहुंचते कितनी कोई बदवाएं लिया आपने हैं? बड़ी मेहनत की है मैंने, बड़ी मेहनत की है। लग रहा है मुझे मरीजा कहाँ है। शाबाश, हौसला रखें हैं, इतना बेचैन ना हो। मैंने आपकी जवानी की मोहब्बतों के बड़े किस्से सुने हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी ना आपकी मदर टाइप चीज़ करूँ है, ताकि अंदर जाके आपको कोई टचिंग सिस्टम हो जाए, नबस नबस चेक करने का मौका मिल जाए है। तो आपने उसकी फिल्म का जो गाना है ना, एक मैं बताऊँगा वो गाना है, तो शायद आपको मौका मिल जाए है। गाना कौन सा है? कौन सा गाना? मासी घबरा ना, तू ठीक हो जाएगी। हाथ धो कर पहले, अगर हाथ में हाथ लगा ना। मरन चौकी अभी बीमार पड़ी है, ते नखरे फैल ही नहीं जाते। खैरन खैरी। ये नेवले की आवाज कहाँ से आ रही है? आंटी जी आंखें खोल के देखें, ये नेवला जो है ना, इसकी छोटी सी पूंछ भी है तो मुंह पे काले रंग का ताला भी है। हकीम, ये तुम हो? इतने अरसे बाहर रहने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पे कोई रोग नहीं आया? वही फीका सूखा सा चेहरा तुम्हारा। मैं बहुत बीमार हूँ, यहाँ इलाज कराने आई हूँ। सुना है तुम्हारे हाथ में अब शिफा आ गई है? शिफा तो पहले भी थी, मगर तुमने पहचाना नहीं, तुमने पहचाना नहीं। हकीम साहब टचिंग सिस्टम कर ले, नबज पकड़ ली। लाओ नबज लाओ। खबरदार, जो बगैर हाथ धोए मुझे हाथ लगाया, पता नहीं कैसे कैसे खतरनाक मरीजों को छुए होंगे हाथ, कितने जरासीम लगे हुए होंगे इन हाथों में। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी जी, ये जो हकीम साहब है ना, ये घोड़ों का तो खोतों का भी इलाज करते हैं। अभी जब मैं इनको लेने गया ना, तो एक खोते के दांत चेक कर रहे थे। आप भी अपने दांत चेक करा लें इसी बहाने। क्या मुलाजमा? मुलाजमा मुलाजमा, जा जल्दी से खोलता हुआ पानी लेकर आ, उसमें 5 मिनट के लिए इनके हाथ डुबो के रखो। अब तुम मेरी नब्ज चेक कर सकते हो। पहले तो मुझे अपने बॉयल हाथों का इलाज कराना पड़ेगा। हकीम साहब, रोए ना। रोते हैं ना तो मेरा हासा निकल जाता है। ओहो, ताला खुल गया है काला वाला। ये दोशीजा कौन है? दोशीजा को छोड़े, पोशीदा को चेक करें। उफ हकीम, ना तो तुम्हें ठीक से रोना आया और ना ही तुम्हें ठीक से बात करनी आई। मुझे देखो मैंने कितनी तरक्की कर ली है, एक बेटा विलायत में है और एक जाने की तैयारी कर रहा है। मैं एक तस्वीर दिखाती हूँ तुम्हें, ये देखो बेटे की तस्वीर। उसके साथ उसका दोस्त भी है, उसकी मंगनी के मौके पर ली गई है। देखो दोस्त से ज्यादा मेरे बेटे के चेहरे पे निखार है। ओए होए, ये दोस्त है, ये तो अनवर है। हे चौधरी साहब, गाना जरा वो देख। चौधरी साहब, ओ शिदो शाबाश, फाड़ के रख, मामला जरा सीरियस है। जी चौधरी साहब। ओ फ्रीज करो इधर, फ्रीज।